शुक्रिया सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, 9 दिसंबर 2021 को किसानी आंदोलन में किसानों को उठाया गया था और उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे C2+50% आपको MSP का गारंटी, एक कानून लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है सर कि उस जितनी भी उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे ये कमेटी का गठन जिसमें अभी तक किसानों के साथ कोई तालमेल हो के ना MSP की बात ना गारंटी की बात, अब वो एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर दूसरी बात, जो इसमें जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 850 किसान जो शहीद हो गए थे, उनके लिए कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा था, जिनके खिलाफ केस करे गए थे उनके केस वापसी की बात करी गई थी। और सर सबसे जरूरी इसमें यह था कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो एप्रिहेंशन है, उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने देखा भाई, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि उसको पिछले सेशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया, उसको इस सेशन में लाने। सो मैं आग्रह करती हूँ सर, इमीडिएटली ये किसानों के साथ एक जबान होती थी एक टाइम पे, अब तो सरकार की रिटर्न अश्योरेंस पे भी कोई भरोसा नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी। श्री गिरीश चंद्र जी, इसी तरह बंदी सिखों पे भी उन्होंने कहा था कि उनको रिहाई की जाएगी, लेकिन आज तक ना बंदी सिखों की रिहाई के रिटर्न। ओके, गिरीश चंद्र जी। सर,